बाद धमी विकास कार्यों की रफ्तार, अधर में लटकी अमृत पेयजल योजना, मंदसौर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या के बाद शहर में चल रही विकास की तमाम योजनाएं अब पूरी तरह से ठप हो गई है। केंद्र सरकार ने शहर के लिए 3 साल पहले अमृत पेयजल योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन नगर पालिका और प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह योजना अधर में ही लटकी हुई है। इस स्कीम में चंबल नदी से मंदसौर तक 52 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए शहर वासियों को पेयजल मुहैया कराना था। 2 चरणों में पूरी होने वाली इस योजना के लिए नगर पालिका प्रशासन ने गुजरात की एक निजी कंपनी को ठेका दिया था। इस योजना की पाइपलाइन में एक तरफ रेलवे लाइन बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ चंबल नदी के छोर पर चलने वाले विद्युत मोटरों के लिए भी अभी तक बिजली की लाइन भी नहीं डाली गई है। वहीं जानकारी के अनुसार इस मामले में पालिका प्रशासन के अलावा रेलवे विभाग और बिजली कंपनी के अधिकारी ठेकेदार की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लिहाजा ठेकेदार कंपनी 2 महीने पहले ही यह काम बंद कर यहाँ से रवाना हो गई है। आलम यह है कि 52 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण काम जगह जगह अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं दूसरे चरण के लिए मंदसौर से रामघाट बैराज में भी अभी तक कोई व्यवस्था ना होने से इस स्कीम का पानी इस साल भी शहर वासियों को मिलने में संदेह नजर आ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या के बाद यहाँ यह पद खाली हो गया है। लिहाजा विकास काम के मामले में भी अब प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हालांकि नवागत CMO RP मिश्रा ने इस स्कीम पर जल्द ही काम शुरू करने की बात कही है। MS News Live की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MS India ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर।